खान सुरक्षा सप्ताह 2022 के अंतर्गत दामोदर कोलियरी को 4 प्रथम पुरस्कार एवं 1 द्वितीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। समारोह में DGMS के महानिदेशक प्रभात कुमार, BCCL के CMD समीरन दत्ता, DTO ऑफिस संजय कुमार सिंह, DTP PNP उदय आनंद कावले के अलावे सेल निदेशक टाटा कंपनी के महाप्रबंधक आदि शामिल थे। दामोदर कोलियरी को OB डम प्रबंधन एवं हॉल रोड मेंटेनेंस प्रथम पुरस्कार, स्वच्छ भारत अभियान एवं पब्लिसिटी प्रोपेगेंडा ओवर ऑल में प्रथम पुरस्कार, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस एवं मेंटेनेंस द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में बरोड़ा एरिया महाप्रबंधक पीयूष किशोर, दामोदर कोलियरी के परियोजना पदाधिकारी PSK सिन्हा, प्रबंधक अजय कुमार सिंह, सुरक्षा पदाधिकारी उत्सव कुमार, माइंस इंचार्ज कुणाल कुमार सिंह, अभियंता शिवा कुमार, वर्कमैन माइनिंग इंस्पेक्टर सूर्यबलि साव, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर मुकुटधारी गोराई, SUPL प्रभारी संदीप कुमार सिंह ने पुरस्कार ग्रहण किया। दामोदर कोलियरी कार्यालय में मंगलवार को आयोजित एक सादे समारोह में परियोजना पदाधिकारी पंडित साकेत कुमार सिन्हा ने कहा कि दामोदर कोलियरी को खान सुरक्षा सप्ताह 2022 के तहत मिली उपलब्धियों का सारा श्रेय दामोदर कोलियरी की टीम DGMS के उच्च अधिकारियों के उचित मार्गदर्शन एवं BCCL मुख्यालय सुरक्षा एवं बचाव महाप्रबंधक के सुझाव को जाता है। दामोदर कोलियरी की टीम ने कड़ी मेहनत कर उपलब्धि को हासिल किया है। इस उपलब्धि के लिए हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कोलियरी की सुरक्षा पदाधिकारी उत्सव कुमार ने कहा कि दामोदर कोलियरी वर्षों से बंद थी, पुनः कोलियरी चालू होने के मात्र 2 वर्ष में ही ऐतिहासिक अचीवमेंट प्राप्त हुआ है। बोकारो से राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। इस वर्ष वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह 2022 जो संपन्न हुआ उसी के तहत हम लोग को ये प्राइज मिला है और इसका सारा श्रेय हम अपने दामोदर की पूरी टीम को देते हैं और अपने DGMS के उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन एवं जो हमारे हेडक्वार्टर के DM सुरक्षा एवं बचाव एवं ISO डिपार्टमेंट के जो भी सुझाव रहे हैं उनको हम लोगों ने अच्छा सा पालन करने की कोशिश की है और उनके द्वारा सभी सुझावों को हम लोगों ने समय के सही अंतराल पर पूरा करने की कोशिश की है और ये सारा श्रेय हम अंत में अपने एरिया के महाप्रबंधक को भी देना चाहते हैं जिनके कुशल नेतृत्व के बदौलत ये सब संभव हो सका है। किन किन कार्यों में उपलब्धि को लेकर मिली है पुरस्कार? एक हम लोग को हॉल रोड मैनेजमेंट के लिए फर्स्ट प्राइज मिला है, दूसरा फर्स्ट प्राइज हम लोग को OB डम मैनेजमेंट के लिए मिला है और तीसरा फर्स्ट प्राइज हम लोग को पब्लिसिटी एंड प्रोपागंडा में मिला है और फोर्थ प्राइज जो हमारा सेकंड प्राइज है वो हमको इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन के मेंटेनेंस के लिए मिला है। और सबसे खुशी की बात है दामोदर परिवार के लिए, दामोदर की पूरी टीम के लिए कि हमको ओवरऑल फर्स्ट प्राइज भी मिला है अपने ग्रुप में, जिसमें कि टाटा के माइंस, सेल के माइंस भी थे और उन सबके बीच में हमारी टीम ने कड़ी मेहनत की जिसके बदौलत आज हम ओवरऑल प्राइज लेकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस अचीवमेंट का श्रेय जो है किन्हें देना चाहेंगे आप? हम अपनी पूरी दामोदर की टीम को देना चाहेंगे और अपने जो भी हमारे DGMS के उच्च अधिकारी हैं, हमारे हेडक्वार्टर के GM सुरक्षा एवं बचाव की और उनकी पूरी टीम को और अपने एरिया महाप्रबंधक और हमारे सभी जो श्रमिक नेतागण हैं, खास करके इस सेफ्टी के आयोजन में हमारे जो पिट सेफ्टी के मेंबर्स हैं, हमारे जो भी वर्कमैन इंस्पेक्टर हैं और हम अंत में जो भी SUPL की टीम है उनका भी काफ़ी अहम रोल है। मैं सभी को सम्मिलित रूप से इसका धन्यवाद देता हूँ। अचीवमेंट पे ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है हमारे लिए। कोलियरी चालू होने के 2 साल के भीतर ही हमने वो मुकाम हासिल किया है जो लोग बहुत दिन लग जाता है जिनको करने में। हमारी टीम 3 श्रेणी में फर्स्ट प्राइज, 1 श्रेणी में द्वितीय प्राइज इनको मिला है और ओवरऑल हम अपनी कैटेगरी जो कि डी कैटेगरी है जिसमें 7 लाख से कम वार्षिक उत्पादन वाले माइंस आते हैं उसमें हमने ओवरऑल फर्स्ट प्राइज लिया है और ये काफ़ी मतलब गौरव का क्षण है हमारे लिए। और इसके लिए जो हमारी पूरी टीम है, जो हमारे जूनियर ऑफिसर्स हैं, जो हमारे वर्कमैन इंस्पेक्टर्स हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत मेहनत किया है। अब आज माइंस देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हमारी माइंस में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, वो दिखती है, लगता नहीं है कि मतलब ये सरकारी माइंस है। आप जाएंगे आपको सारी चीज़ें व्यवस्थित मिलेंगी। आप हॉल रोड में जाएंगे, आप हमारे डंप में जाइए, आप हमारे सब स्टेशन में जाइए, आपको जो भी चेंजेस हैं वो दिखेंगे। काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं और वही रीज़न है कि जितने भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी थे DGMS के या फिर हमारे GM SNR थे, ठीक है, उन सब ने इस बात को सराहा और सराहने के बाद फिर हमें ये परिणाम दिया है, तो ये काफ़ी गौरव का क्षण है।